Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फोटो को एडिट करने वाले हैं, तो इस वाले फोटो को एडिट करने के बाद किस तरह का ये वाले फोटो दिखेगा और कौन से एप्लीकेशन की मदद से इस वाले फोटो का हम लोग एडिट करने वाले हैं, पूरे आपको जानने के लिए वीडियो के एंड तक देखना होगा। तो चले समय को बर्बाद नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वाले फोटो को हम लोग ले आते हैं सिनेपसिट एप्लीकेशन के अंदर। तो सिनेपसिट एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद आपको चला जाना है टूल्स में। टूल्स में आने के बाद आपको आ जाना है HDR स्क्रीन में, और उसके बाद आपको जो पहले है उसको आपको कर देना है फुल, और सेकेंड वाला जो है टूल इसको आपको कर देना है माइनस में, माइनस 100 में, और थर्ड वाला जो सेलेक्शन है इसको आपको कर देना है फुल। उसके बाद आपको राइट में क्लिक कर देना है। राइट में क्लिक करने के बाद आपको इस वाले आइकन में आ जाना है। इसके बाद आपको आ जाना है व्यू एडिट में। उसके बाद आपको HDR स्क्रीन में इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस वाला आइकन में आ जाना है। उसके बाद आपको इस वाला आइकन में आ जाना है। उसके बाद आपको अच्छे तरह से जूम करके इसको आपको इस तरह से फेस को ले लेना है। आपको इस वाला आइकन में देख लेना है सेटिंग्स जो है इस वाले आइकन में। आपको अगर जीरो में रखते हैं तो आपका जो फेस ओरिजिनल फेस है, जहाँ में आप ओरिजिनल लाना चाहते हैं, जो मैं स्क्रीन में फेस के अंदर लाना चाहता हूँ, जो मेरा ओरिजिनल फेस है, फेस का कलर है, उसको मैं लाना चाहता हूँ, तो मैं इसको जीरो में कर दिया हूँ। अगर आप कोई भी हिस्सा आपको ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आप इस वाले आइकन को 100 में करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ से कमा बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसको जीरो में रख के इस वाले आइकन को अच्छी तरह से ओरिजिनल जो फेस का कलर है उसको ले लेता हूँ। तो वीडियो को कर देता हूँ थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारा बाल से कितना रेड हो चुके हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ओरिजिनल लाने का कोशिश करेंगे। तो इसको आपको इस तरह से 50 ले लेना है। तो पहले वाले सब आपको इसको 50 कर देना है। अगर आप इसको थोड़ा सा रेड में रखना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको रेड में रखना चाहता हूँ, इस तरह से लेना है। उसके बाद इसको कर देना है जीरो पे, और अच्छी तरह से इस पर तरह से कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं जो ओरिजिनल लुक है किस तरह का आना आ गया है। तो उसके बाद आपको जो करना है, आपको राइट में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको टूल्स के अंदर आने के बाद फिर से आपको टूल्स के अंदर जाना होगा, और आपका जो सेटिंग्स है उसको आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फेस के ऊपर इस तरह से क्लिक कर देना है। तो अब इस तरह से आपका जो इसका इल्यूजन है उसको आपको इस तरह से ले लेना है। उसके बाद आपको इस तरह से फेस को गोरा करना होगा। अब लोग देख सकते हैं जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको फेस को गोरा कर लेना है। तो फेस के अंदर थोड़ा सा रेड आ रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, और इसको जो इसको कर देता हूँ फुल, थोड़ा सा कम कर देता हूँ। उसके बाद आपको फिर से राइट में क्लिक कर देना है, फिर से टूल्स के अंदर जाना होगा, फिर से सेटिंग्स के अंदर आके। तो आप लोग देख सकते हैं, तो इस वाले हिस्से में थोड़ा सा काला है, काला काला लग रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ग्रो कर लेंगे। फिर से आपको इसको कर देना है फुल। तो आप लोग देख सकते हैं फेस कितना गोरा बन के तैयार हो रहा है। उसके बाद आपको फिर से राइट में क्लिक कर देना है, फिर से आपको टूल्स के अंदर जाना होगा, फिर से सेटिंग्स के अंदर, और जो भी हैंड है इसको हाथ के ऊपर आपको इस तरह से ले लेना है, हाथ को भी थोड़ा सा कर देना है। उसके बाद आपको फिर से राइट में क्लिक कर देना है, फिर से टूल्स के अंदर जाना है, फिर से आपको टूल्स ले लेना है, और इस बार हाथ को गोरा कर देना है।
फिर सबको राइट में क्लिक कर देना है। और आप लोग देख ही सकते हैं फोटो किस तरह से बन के तैयार हो चुकी है, पहले वाला फोटो किस तरह से था और अब एडिट करने के बाद फोटो किस तरह से बन के तैयार हो चुके। अगर आप हेयर में एडिट करना चाहते हैं तो हेयर में भी एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक दूसरा एप्लीकेशन है, उसका भी ट्यूटोरियल बना के रखा हूँ मैं, आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेयर एडिट किस तरह से करते हैं, अगर आपका हेयर अच्छा नहीं है तो आप हेयर में भी एडिट कर सकते हैं। तो ये वाला हेयर अच्छा तरीके से है और अच्छा लग रहा है, तो मैं इसके अंदर एडिट नहीं करता हूँ। अगर आप हेयर को एडिट करना चाहते हैं तो हेयर के भी एडिट कर सकते हैं। आज जो भी लोग इस वीडियो में अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आज चैनल में नया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। फोटो तो बन के हो गया है तैयार, तो मिलते हैं और अगले वीडियो में एक अगले फोटो एडिटिंग लेके। तो चलिए भाई लोग मिलते हैं।